नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हम हैं श्री कुर्बान अली के साथ, जो देश के स्टार जर्नलिस्ट हैं, बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारी जगहों पे काम किया है, बहुत सारी जगहों का अनुभव है। लेकिन आज हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते से ये शो शुरू किया है शनिवार को 2 बजे कि भारत का राजनीतिक इतिहास, उसका सही संदर्भ क्या है और उसको लेकर के जितने भी भ्रम पैदा किए गए हैं उन भ्रमों का स्वरूप क्या है और उसकी सच्चाई क्या है। तो मैं बिना वक्त जाए किए हुए कुर्बान साहब का स्वागत भी करता हूं और गुजारिश भी करता हूं कि हम उस सीरीज को, पिछली सीरीज को बहुत जो हमने शुरू की थी, काफी पसंद की गई थी, अब हम उसके आगे बात शुरू करें। कुर्बान साहब, बहुत शुक्रिया संतोष जी। पिछले एपिसोड में हमने पिछले 1000 साल के शुरुआती 500 वर्षों के इतिहास का जिक्र किया था और किस तरह से ये 1000 सन ईस्वी से जो महमूद गजनवी के हमले शुरू हुए थे, जो 1026 तक जारी रहे, उसका हमने जिक्र किया था। यानी पिछले मिलेनियम सहस्राब्दी में किस तरह से मुस्लिम आक्रमणकारियों का सिलसिला शुरू हुआ। तो गजनवी के बाद 1192 में शहाबुद्दीन गौरी आते हैं और वो पृथ्वीराज चौहान को हरा करके भारत में पहली बार मुस्लिम शासन की शुरुआत करते हैं और वो फिर उसके बाद लगातार 650 बरस यानी 1857 तक ये मुस्लिम रूल चलता है, जिसमें गौरी के बाद गुलाम वंश आता है, सैयद वंश आता है, तुगलक आते हैं, खिलजी आते हैं और फिर 1526 में मुग़ल आते हैं। यहाँ जैसा भी आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में जिक्र किया और जो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी है कि जो भ्रम है लोगों को कि ये बताया जाता है एक तरफ कि मुस्लिम शासन था, मुसलमान आक्रांताओं ने आकर के यहाँ हिंदू शासकों को हटाया और यहाँ एक तरह से मुस्लिम शासन कायम किया या इस्लामी शासन तक वो चले जाते हैं। हालांकि इसमें बड़ा फर्क है मुस्लिम शासन और इस्लामी शासन। तो आम तौर पे ये माना जाता है कि ये जो सांप्रदायिक नज़रिया है इतिहास को देखने का कि ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि 1000 ईस्वी से पहले यानी महमूद गजनवी के आने से पहले तक जो भारत के हिंदू राजा थे वो भी आपस में लड़ते थे सत्ता हथियाने के लिए या कुछ और कारणों से, किसी महिला से शादी करनी है या कुछ और करना है। और वो उस ज़माने का वही तरीका था, जाहिर है उस ज़माने में कोई दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, डेमोक्रेसी की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक दूसरे पर हमले करते थे, युद्ध होता था, सैकड़ों हजारों लोग मारे जाते थे, सत्ता पे काबिज हो जाते थे, झंडा गाड़ देते थे और फतेह हो जाती थी। यही सिलसिला मुस्लिम शासकों के आने के बाद भी रहा और ये भी एक मिथ है कि मुसलमान शायद आपस में नहीं लड़ते थे। लेकिन अगर आप ये जो 650 बरस का इतिहास है मुस्लिम शासकों का इसको देखें तो इसमें भी मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है। और यहाँ मैं ये बताता चलूं कि इस बीच 2-3 हमलावर ऐसे आए जो आए, हमला किया, कत्ल वगारत गरी की और वापस चले गए लूटपाट करके। उनमें सबसे पहला नाम तैमूर का है जो कि 1398 के आसपास आया था और जिसने यहाँ फिरोज शाह की हुकूमत थी उसको नेस्त नाबूद किया था। तो ये सिलसिला जो है पिछले 550 बरस के इतिहास का, उसमें यही है कि मसला सारा था कि दिल्ली पे या भारत की सत्ता पे कैसे कब्जा किया जाए और उसमें हिंदू मुसलमान का कोई भेद कहीं ज़्यादा दिखता नहीं था। और इस काल में ऐसा भी कहीं नहीं दिखता है कि कोई धर्म आधारित शासन कायम किया गया हो या ऐसा शासन के जिसमें शरिया कानून चलते हों। हाँ, ये ज़रूर था कि जो लोग शासक थे मुसलमान थे उनके शादी ब्याह और रस्म व रिवाज उसी तरह से होते थे, लेकिन उसके अलावा जो कानून था
वो सबके लिए एक जैसा ही था और उसमें कोई किसी किस्म का मतभेद नहीं होता था। और ये जो सिलसिला है ये 1857 तक अनवरत रूप से चला है। इस बीच में नादिर शाह का भी हमला होता है, अहमद शाह अब्दाली का भी हमला होता है और वही लूटपाट और करना, क्योंकि उसको यहाँ रोक करके शासन नहीं करना था। यहाँ जिन लोगों ने शासन किया वो यहीं के होकर के रह गए और वापस नहीं गए, और आज भी उनकी कब्रें, उनके मकबरे आपको काबुल से लेकर के और रंगून तक इसी खत्ते में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जब ये मामला धर्म का नहीं था तो इसको धर्म के आधार पर जोड़ करके क्यों देखा जाता है, क्यों वो आम हिंदू को ये बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर मुसलमानों ने शासन किया, तुम्हें गुलाम बना के रखा, तुम्हारे धर्म को ख़त्म किया, और दूसरी तरफ मुसलमान इस हैंगओवर में, इस नशे में रहता है कि उसने हुकूमत की और जैसे वो पैदा ही हुए थे यहाँ हुकूमत करना। यहाँ एक और चीज़ संतोष जी बहुत महत्वपूर्ण है कि मंगोल जो कि चंगेज खां और हुलाकू खां के वंशज थे, जिन्होंने 1250 में बगदाद को तबाह किया था जो उस वक्त इस्लामी शासन का सबसे बड़ा केंद्र था, मरकज था, उनके जो औलादे हैं यानी उलगू खां जो हुलाकू खां का पोता था, उसने आकर के यहाँ जो तबाही और बर्बादी की है उससे इतिहास रक्त रंजित पड़ा हुआ। और ये मंगोल उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, ये चीन मंगोलिया के इलाके से आए थे और इनका मकसद ही तबाह बर्बादी करना था, लूटपाट करना था, लोगों को मारना था। उनका शासन नहीं हो पाया, हालांकि कहा यही जाता है कि मुग़ल भी मंगोलों के वंशज हैं जो बाद में मुग़ल उनको नाम पड़ा, लेकिन इन लोगों ने कभी शासन नहीं किया भारत पर मंगोलों ने, और जो मुस्लिम शासक थे उनको वो तबाह व बर्बाद करते रहे। लेकिन इस बीच यहाँ जिसका जिक्र मैंने पिछली बार भी किया था कि एक नई तरह की संस्कृति जो थी वो पैदा होती रही, जिसको के जो तुर्क थे, जो अफगान थे, जो सैयद थे और जो अरब थे, अरब तो बहुत कम थे उनमें, ज़्यादातर लोग ईरान से थे, फारस से थे और सेंट्रल एशिया से थे, वो यहाँ की भाषा के साथ, यहाँ के खान पान के साथ, यहाँ के पहनावे के साथ, वो जो एक सिंक्रेटिक कल्चर जिसको हम साझा संस्कृति कहते हैं वो बननी शुरू हुई और वही बदलती हुई लगातार चलती रही। और उसी में अमीर खुसरो का मैंने पिछली बार जिक्र किया था कि जो जनक कहे जाते हैं हिंदी भाषा के, पहले उन्होंने हिंदवी शुरू की, फिर उस हिंदवी से उर्दू निकली और बाद में हिंदी। तो ये नॉर्थ इंडिया का ही फिनोमेना है दिल्ली और उसके 500-700 किलोमीटर के एरिया में। हालांकि ये लोग जो मुस्लिम शासक थे ये तो गुजरात तक जाते थे हमले करने के लिए, वहाँ तक फतह करते थे, दक्षिण के भी काफ़ी नीचे तक चले जाते थे, नागपुर के नीचे तक और इधर उड़ीसा और इधर बंगाल तक। तो मुख्यतः ये एरिया इन लोगों का रहा है और इसलिए मेरे खास जो फोकस है वो इसी बात पर है कि ये विशुद्ध रूप से शासन करने वाले लोग थे, इनकी दिलचस्पी शासन में थी, धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक बात है। तो अब सवाल ये है कि ये जो जो सवाल आपने खड़ा किया खुद ही, उस सवाल का जवाब अभी आपने नहीं दिया कि फिर ये क्यों फैलाया जा रहा है, कि या अभी नहीं, ये लगातार करीब 20-25-30 साल से फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों ने आक्रमण किया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, धर्मशास्त्र जलाए, लोगों को मुसलमान बनाया, ये जो फैलाया जा रहा है ये इतिहास को भ्रमित करने की कोशिश है या कोई नया इतिहास लिखने का की योजना है, क्योंकि सत्य आप बता रहे हैं, उस सत्य के सामने इस
इस नरेटिव का, ये दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। जी, मैं जैसा आपने कहा कि कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, ये भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि इस 650 बरस के मुस्लिम शासन में बहुत जगह मंदिर गिराए गए, बहुत जगह इस तरह की घटनाएं भी हुई कि जिनको आप सांप्रदायिक कह सकते हैं, और उसके उदाहरण इतिहास में आपको भरे मिलेंगे। मैंने पिछली बार जिक्र किया था कि इन शासकों के दौर में जो लेखक या इतिहासकार थे, हालांकि वो जाहिर है कि सरकार के समर्थक, शासन के समर्थक इतिहासकार थे, लेकिन उन्होंने भी ये हवाले दिए हैं, और बाबर तक ये चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत जगह, क्योंकि ये तो था ही कि जो मुसलमान थे उनको ये लगता था कि वो बुत परस्ती के खिलाफ थे, वो ये मानते थे कि यहाँ जिस तरह की ये संस्कृति है ये उनके हिसाब से सही नहीं है, लेकिन कभी भी उन्होंने इसको धर्म के आधार पर ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। वो जहाँ जहाँ आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे उसमें कहीं ना कहीं वो एक एंगल आता है कि जिसके पीछे शासन या सत्ता का एक रोल था। अब जैसे औरंगजेब, जो सबसे ज़्यादा बदनाम है, कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि साहब सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े गए उसके शासनकाल के दौरान, तो उसमें एक पॉलिटिकल एंगल नज़र आता है कि चूंकि वो लड़ाई लड़ रहा था सत्ता हासिल करने के लिए अपने बाप शाहजहां से और अपने भाई दारा शिकोह से, और दारा शिकोह को जहां जहां पनाह मिलती थी उन मंदिरों को औरंगजेब तोड़वाता था, ये इतिहास में इसके सबूत मिलते हैं, और जहां जहां उसके लिए काम होता था यानी उसके समर्थन की बात होती थी उसे वो जागीरें देता था। इसी क्रम में उसने मथुरा और बनारस के मंदिरों को जागीरें दी हैं, ये शाही फरमान आज भी मौजूद हैं और उन्हें पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। उसके बारे में डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हुए हैं इलाहाबाद में, और उनका बड़ा काम है, उन्होंने उन सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करके रखा है। लेकिन सिर्फ ये मकसद था रहा हो कि साहब मंदिर तोड़े गए या वहाँ मस्जिदें बनाई गईं, इसके सबूत बहुत कम मिलते हैं। दिल्ली में जहाँ कुतुब मीनार है उसके बारे में कहा जाता है मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के हिसाब ये 27 मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई, और वहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से एक पत्थर लगा हुआ है उस पर भी ये बात लिखी हुई है। इसके ऐतिहासिक सबूत तो नहीं मिलते, लेकिन ये कहीं ना कहीं पब्लिक मेमोरी में ये बात ज़रूर रही है कि मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मंदिरों को तोड़ करके बनाई, तो इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन असली चीज़ यह है कि कभी भी इन लोगों का मकसद इस्लामी शासन कायम करना नहीं था या धर्म परिवर्तन कराना मकसद नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो जो लोग तलवार के बाजू पे इस देश पे आकर के जिन लोगों ने शासन किया वो अगर धर्मांतरण कराना शुरू करते तो मुसलमानों की आबादी जो कभी भी 25% से ज़्यादा नहीं रही इस उपमहाद्वीप में, वो कहीं और ज़्यादा हो जाती। उसके एक अनेक कारण हैं, उसके दूसरे पहलू हैं, और उसमें जो सूफी मत का जो रोल है यहाँ भारत में वो सबसे ज़्यादा है, और इतिहासकारों का एक तरह से कंसेंसस है कि इस दक्षिण एशिया में, इस भारतीय उपमहाद्वीप में जो इस्लाम फैला वो सूफियों की बदौलत ज़्यादा फैला, क्योंकि बादशाहों का तो ना वो मकसद था ना वो, अगर जिस तरह से वो उन्होंने कराने की कोशिश भी की है जहाँ जो कुछ उदाहरण मिलते हैं कि जजिया लगाया गया या जो दूसरी चीज़ें, तो उसमें कभी भी इस्लाम फैला नहीं बल्कि कमज़ोर हुआ। और इसलिए जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 800 बरस पहले अजमेर में आते हैं और उसके बाद जो उनका सिलसिला शुरू होता है जिसके अलग अलग हिस्से फिर बन जाते हैं, कहीं कादरिया सिलसिला हो जाता है, कहीं चिश्ती हो जाता है, कहीं वो निज़ामुद्दीन औलिया, कहीं साबिर कलियरी, कहीं दूसरे वारिस शाह का उत्तर प्रदेश में, तो इन लोगों ने, और चूंकि यहाँ कास्ट सिस्टम था तो और उसमें एक गैर बराबरी थी, और इस्लाम में जो कंसेप्ट था वो ये था कि एक दस्तरखान पर बैठ करके खाना है, एक ही सफ में खड़े होकर के नमाज पढ़नी है, यानी बराबरी का कंसेप्ट, उसे यहाँ की पिछड़ी और दलित जातियों ने बड़ा अच्छा समझा। तो जो कन्वर्जन की अगर
आप हिस्ट्री देखेंगे और उसमें जिन जातियों ने सबसे ज्यादा कन्वर्जन किया वो उनमें पिछड़ी और दलित जातियां आपको मिलेंगी, और जो सो कॉल्ड मार्शल रेस हैं उनमें भी कन्वर्जन तो हुआ है लेकिन वो उतना नहीं हुआ, बहुत कम माना जाता। मतलब कोई भी जाति ऐसी नहीं है कि जिसमें कन्वर्जन ना हुआ हो। आपको राजपूत मुसलमान भी मिलेंगे, आपको जो है गुजर मुसलमान भी मिलेंगे, आपको जाट मुसलमान भी मिलेंगे, आपको आपको त्यागी मुसलमान भी मिलेंगे, और जो बाकी कौमें हैं जो जिनको पेशे के नाम से जैसे बढ़ई जुलाहे कसाई भिश्ती वो सब भी मुसलमान बनने के बाद। अच्छा ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि जाति प्रथा जिसके खिलाफ एक तरह से इस्लाम है कि इस्लाम में जाति नहीं है वो हिंदुस्तान में आकर के जातियों में बट जाता और लोग जातियों में ही अपने आप को मुसलमानों का अपर कास्ट है शेख सैयद मुगल पठान, और दूसरी तरफ बैकवर्ड कास्ट हैं और दलित जातियां भी हैं जो कि सीधे कन्वर्ट हुए जिनको हलाल खोर तक कहा जाता है बिहार में, पाखाना साफ करने का काम या दूसरी सफाई का वो काम करते हैं, और इस तरह की बहुत सारी जातियां हर राज्य में आपको मिलेंगी। तो ये तो एक जाति का पहलू है, लेकिन जो ये सिलसिला था जो 1857 में आकर के ख़त्म होता है और जिसके बारे में आपने कहा कि हम वहाँ से बात शुरू करेंगे, तो वहाँ से उस वक्त तक का भी ये देखा जाए कि देखिए इंग्रेज इस देश में जहांगीर के समय में ही आना शुरू हो गए। जहांगीर ने फरमान दे करके उनको बिजनेस करने की या और दूसरे काम करने की इजाज़त दे दी, और 1757 में प्लासी में उन्होंने युद्ध करके बंगाल में और अपना शासन एक तरह से कायम कर दिया। हालांकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन 1757 से लेके 1857 इस 100 साल के अरसे में वो उन्होंने अपनी राजधानी तो पहले कलकत्ता बनाई जो अब कोलकाता है, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग ढंग से काबिज होते रहे। और यहाँ सिर्फ अंग्रेजी नहीं, उसी ज़माने में यानी 450 बरस पहले पुर्तगाली आए, सबसे पहले इस देश में किसी विदेशी जो बाद में यहाँ से गए हैं का शासन रहा है तो वो पुर्तगालियों का रहा है जिन्होंने गोवा में आकर के कब्जा किया। फिर फ्रांसीसी आए जिन्होंने पौंडीचेरी और बंगाल के कुछ हिस्सों में अपनी कॉलोनियाँ बनाई, और अंग्रेज आए, और अंग्रेज ने बंगाल की फतेह के बाद दिल्ली की तरफ आना शुरू किया, लेकिन 1857 हो गया। अब 1857 क्यों हुआ? 1857 से पहले यानी 1707 के आसपास औरंगजेब का शासन खत्म हो जाता है, और ये अगले 150 बरस तक दिल्ली के किसी आप राजा का नाम मुगल बादशाह का याद करना चाहें तो मुश्किल होगी, क्योंकि वो ऐसे नाम है कि जो किसी को याद ही नहीं रहे, और बहुत वो बिल्कुल नाम के शासक थे। एक शासक था बहादुर शाह फर्स्ट, और उसके बारे में कहा जाता था शाह आलम सेकंड, और शाह आलम सेकंड के बारे में ये कहा जाता था कि उसका शासन जो था वो पालम हवाई अड्डा जहाँ है वहाँ तक रह गया था, बादशाह आलम दिल्ली था पालम, इतनी महदूद उसकी वो रह गई थी। लेकिन जब 1857 आने को हुआ और उस वक्त तक बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया था नाम निहाद थे, तब जो मेरठ से सैनिक आए दिल्ली बगावत करके उन्होंने ये कहा बहादुर शाह जफर को आकर के हम तुम्हारे नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो बहादुर शाह ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ करने की हालत में नहीं हूँ, वो चल फिर भी नहीं सकता हूँ। तो उनमें से कुछ ये कहा जाता है और रिकॉर्ड पर चीज़ें आई हैं कि कुछ जो जाट और गुजर थे उन्होंने कहा कि मुगल हमें तेरी ज़रूरत नहीं है लेकिन तेरे नाम की ज़रूरत है, और उसके नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी गई जो आप जानते हैं कि अलग अलग रजवाड़ों की लड़ाई थी, उसमें कुछ सैनिक भी थे। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप कहना ये चाह रहे हैं इसके पहले मैं जाता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ कि जो कन्वर्जन हुआ या यहाँ जो मुसलमान बने वो हिंदू धर्म के अपने अंदरूनी दबाव से प्रताड़ित लोग ही मुसलमान बने,
दूसरी तरफ जो सत्ता थी उसने धर्म परिवर्तन के लिए कोई अभियान नहीं चलाया, क्योंकि कुछ लोग एक तर्क देते हैं कि अगर उस समय 650 साल तक अगर मुसलमानों का शासन रहा, अगर वो चाहते तो पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। संख्या वही रही जो आज है, एक मुसलमानों की संख्या और हिंदुओं की संख्या। इसका मतलब है कि सत्ता ने धर्म परिवर्तन में कोई रोल प्ले नहीं किया, मंदिर तोड़े जैसा आपने कहा। पर क्या आप यही कहना चाहते हैं कि जो धर्म परिवर्तन हुआ, जो हिंदू धर्म के अंदर प्रताड़ना थी या दबाव थे या शोषण था, उससे परेशान होकर के लोग गए, और उसी से परेशान होकर के लोगों ने ईसाई धर्म भी बाद में स्वीकार किया? जी, यही ज़्यादातर हमें इसी बात के सबूत मिलते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई आप इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा ऐसा नहीं पाएंगे कि जहाँ सिर्फ मुसलमान हो। अब पाकिस्तान बन जाने के बाद या बांग्लादेश बन जाने के बाद जहाँ ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हुआ, वो तो एक दूसरी चीज़ थी, लेकिन नेचुरल तरीके से पिछले 1000 सालों में, 1947 से पहले, आप हिंदुस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं पाएंगे कि जहाँ सिर्फ हिंदू रहते हों, जहाँ सिर्फ मुसलमान रहते हों। हाँ, कुछ इलाके ज़रूर थे ऐसे, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, NWFP, जो अब पख्तूनवा कहा जाता है, पाकिस्तान का सूबा। तो जाहिर है कि वहाँ ज़्यादातर, एक तो हमले उधर ही से होते थे, और वो पठानों का इलाका है, और ज़्यादातर पठान कन्वर्ट हुए, तो उस इलाके में मुसलमानों का बहुमत जैसा था। पंजाब जो कि उसके दूसरा हिस्सा था, वहाँ इस तरह की चीज़ हुई। और बंगाल, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश या बिहार जो कि सेंट्रली लोकेटेड राज्य हैं, उनमें आपको कहीं भी शहर कस्बे तो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा कि पूरे पूरे ज़िले मुस्लिम आबादी हो या सिर्फ हिंदू आबादी हो। हमेशा से ये मिली जुली संस्कृति के साथ मिले जुले धर्म भी रह रहे थे, और यही असली इस चीज़ को समझना है कि अगर, और ये बात सही है, इससे तो तमाम जो सोशियोलॉजिस्ट हैं और जो जिन लोगों ने इस पे काम किया, उन्होंने ये बताया कि चूंकि यहाँ जाति व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ जाति के नाम पे शोषण था, धर्म से भी ज़्यादा जाति के नाम पे शोषण था, तो उस शोषण को एक तरह से तोड़ने में या रोकने में इस्लामिक मॉडल जो था वो उसने मदद की। अब इसीलिए अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है जो बड़ा साइकी पे भी असर डालता है और बहुत सीधे सीधे समझाता भी है इस्लाम के मायने, कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, यानी अयाज महमूद गजनवी का जो गुलाम था, कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो वहाँ इसका कंसेप्ट ही नहीं है, एक दस्तरखान पे बैठ के आपको खाना खाना है, एक साथ खड़े होकर के नमाज पढ़नी है, गले मिलना है, हाथ मिलाना है, और आप ये फर्क नहीं कर सकते। मगर इस देश में ही अकेला, इस सब कॉन्टिनेंट में ही ये हुआ कि इस्लाम भी आकर के जाति के बंधन को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया, और आज भी, यानी आप मेरे गांव में जाइए तो वहाँ जो पिछड़ी जातियां हैं उनके अलग कब्रिस्तान हैं, अलग मस्जिदें हैं, और आप जाइए तो बहुत कंटेम्प्ट के साथ धने जुलाहे और मनियारों को समझा जाता है, और जो शेख सैयद मुगल पठान है और उसमें यहाँ के एक देसी अपर कास्ट राजपूत भी जुड़ गए, वो आज भी उस बैकवर्ड मुसलमान को जिसे भारतीय संविधान ने पिछड़ी जाति की मान्यता भी दे दी है, और वो दलित, उसको आज भी बेचारे को ये हक हासिल नहीं है कि वो मस्जिद में उन्हीं सो कॉल्ड अपर कास्ट के साथ में आकर के नमाज पढ़ ले, ईद की नमाज पढ़ ले, बैठ के खाना खा ले। आज भी उसको उसके इसी तरह से किया जाता है, तो ये एक अलग पहलू है। लेकिन 1857 की जो बात हो रही थी कि वहाँ उस वक्त में भी एक जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है, हालांकि वो जनता का विद्रोह नहीं था, वो शासकों का विद्रोह था, कि जिन जिनको ये लगता था कि अंग्रेज उनको ख़त्म कर देंगे, चाहे वो बेगम हजरत महल हो या रानी झांसी हो या बहादुर शाह जफर हो या और दूसरे राजे रजवाड़े हो, उन सबको ये लगता था कि हमें ख़त्म कर देंगे। उसमें पहली बार हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है, और वहीं पे वो आता है कि साहब गाय और सुअर की चर्बी के कारतूसों का इस्तेमाल जो बगावत का कारण बने।
और उसके बाद तो हम देखते हैं जी भी बोलिए, आप खत्म कीजिए फिर मैं ये कह रहा था कि उसी मामले को लेकर के जब बहादुर शाह जफर को लीडर मान लिया गया तो बहादुर शाह जफर ने पहला फरमान 1857 की जंग के सिलसिले में जो जारी किया है दिल्ली में, वो ये है कि अगर किसी ने गाय को कत्ल किया, गाय की कुर्बानी की या उसको गोश्त के लिए इस्तेमाल किया तो उसे तोप से उड़ा दिया जाए। अब ये बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह ये फरमान जारी कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुए बिना हम अंग्रेज से नहीं लड़ सकते। मौलवी मोहम्मद बाकर इस देश का पहला पत्रकार जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर रहा है, दिल्ली अखबार का संपादक था और वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखता है और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बातें करता है, उसको अंग्रेज ने यहाँ जो एक्सप्रेस बिल्डिंग के पास खूनी दरवाजा है वहां तोप से उड़ा दिया। पहला भारतीय पत्रकार था मौलवी बाकर के जिसके साथ में। तो इस तरह के जितने भी लोग थे, और 1857 में अंग्रेज ने भी वही काम किया जो एक जमाने में मुस्लिम शासक करते थे कि अपने मुखबिरों को प्रमोट करना, उन्हें जागीरें देना और जहां जहां उनके खिलाफ काम हुआ है उनको तबाह बर्बाद करना। और यही सबक अंग्रेज ने 1857 से सीखा कि इस मुल्क पे शासन करने की अगर कोई एक शर्त है तो वो ये कि हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाओ, और अगर इनके मतभेद सामने नहीं आए और इनको उजागर नहीं किया गया और इनके बीच में ज्यादा दरार नहीं पाटी गई तो हमारा रहना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने जैसा पिछली बार भी कहा कि 1860 से गजेटियर लिखने शुरू हुए, उनमें ये बताया जाने लगा, और जो इतिहास हम पढ़ते हैं इलियट एंड डाउसन का 8 वॉल्यूम में, उसमें भी ये बताया जाता रहा कि मुस्लिम शासकों ने कितनी ज्यादतियां की हिंदुओं के साथ और हिंदुओं को किस तरह से तबाह बर्बाद किया। अब तो कुर्बान साहब, आज का प्रोग्राम इसी जगह समाप्त करते हैं और अगले हफ्ते हम शुरू करेंगे 1857। पर दोस्तों आपको एक चीज बता दूं मैं, आप कुर्बान साहब से कई लोगों ने पिछली बार सवाल किए थे, कुर्बान साहब आपको उनमें कोई उत्तर देने लायक लगा? आपके पास सवाल भेजे गए थे जी, वो असल में सवाल कुछ करंट पॉलिटिक्स के बारे में थे, अफगानिस्तान को लेकर के और दूसरी चीज़ों को लेकर के। तो जो हमारा सिलसिला है मेरे ख्याल में उसमें अगर उससे वाकई रिलेटेड कोई सवाल हो तो उसका जवाब मैं देना चाहूँगा बिल्कुल जी, और अगर आपके जरिए से मुझे मिल जाएंगे वो तो मैं उस पर लिख भी दूंगा अपना जवाब के जी। लेकिन मैं चाहूंगा कि सवाल किए जाएं, जो दर्शकों से मेरा निवेदन है, और अगर कहीं उनको ये लगता हो कि मैंने कोई गलत फैक्ट बताया है या कोई गलत जानकारी दी है तो बड़ी नवाजिश होगी कि अगर आप मुझे दुरुस्त करने का भी काम करेंगे। ये मेरा एक शौक है और संतोष जी ने मुझे मौका दिया है एक रिसर्चर के तौर पर कि मैंने जो जानकारी हासिल की है उसे आम जनता तक पहुँचाऊँ, और यही मेरे ख्याल में संतोष जी इस कार्यक्रम का मकसद भी है जी। तो ये राजनीतिक इतिहास जो जिस श्रृंखला को हमने शुरू किया है इसको लेके आपके सवाल हो तो जरूर भेजिए, क्योंकि इस श्रृंखला में हम आज की राजनीति से जुड़े हुए सवाल तब ले सकते हैं जब ये पूरी श्रृंखला खत्म हो जाए। अभी तो जो जो श्रृंखला चल रही है उसी से जुड़े हुए, सत्य से, असत्य से, भ्रम से, इनसे जुड़े हुए सवाल अगर हों या तथ्य से तो वो आप बताइए। जैसे कुर्बान अली साहब ने आपसे कहा, मैं लाउड इंडिया टीवी के दर्शकों से इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा चैनल ये पॉपुलिस्ट चैनल नहीं है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो यूट्यूब के ऊपर पॉपुलिस्ट चैनल चलाते हैं, हमारी कोशिश है कि हम दिमाग खोलने वाले और उन सवालों को सामने लाने वाले विषय लें जिनसे देश का सीधा रिश्ता है, देश की समस्याओं का, देश की गति का, देश की चाल का, देश के भविष्य का जिनसे सीधा रिश्ता है, और जिसे आप समझते हैं और हम समझते हैं कि इन्हें बिना जाने हुए आप देश को नहीं समझ सकते या देश के बारे में आप भ्रम पाल सकते हैं और उस भ्रम में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। हम देश को उन दुर्घटनाओं से बचाएं, उन दुर्घटनाओं से आगाह करें, और उसका एक ही तरीका हो सकता है कि हम उन सवालों के ऊपर बातचीत करें। इस चैनल का यही उद्देश्य है लाउड इंडिया टीवी का। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप YouTube पर जाएं, लाउड इंडिया टीवी डाउनलोड करें और उसे सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है, हम आपसे कोई इसके लिए ना मदद मांग रहे हैं ना पैसा मांग रहे हैं,
हम सब जो कर रहे हैं वो दोस्तों के जरिए कर रहे हैं। हमको हम नहीं चाहते कि हम कहीं से कोई चंदा या किसी तरह की अपील करें, लेकिन आपको अगर गंभीर विषय देखने हैं, समझने हैं, सुनने हैं और उनमें हिस्सा लेना है तो कृपा करके आप लाउड इंडिया टीवी के सदस्य बने, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो अब चर्चा में आना चाहते हैं। जैसे बेंगलोर के प्रहलाद चड्ढा साहब हैं, वो मैसेज भेज रहे हैं कि हम भी शामिल होना चाहते हैं। कई लोग और भेज रहे हैं, तो हम उन लोगों को भी शामिल करेंगे। पर इसके लिए जरूरी है कि आप खुद भी और अपने दोस्तों से भी कहें कि सारे चैनलों की भीड़ में एक चैनल है जो ये कोशिश कर रहा है कि हमारे दिमाग से जुड़े हुए या हमारे दिमाग के जालों से जुड़े हुए सवालों के ऊपर बातचीत हो, तो उस चैनल को एक बार सुन के देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप दोबारा आइए, नहीं अच्छा लगता है तो रिमोट आपके हाथ में है, जो चाहे वो कीजिए। पर हम जो जो पॉपुलिस्ट इश्यूज हैं उनको हम लेने की कोशिश नहीं करते। हम योजना पूर्वक, समझदारी पूर्वक सोच विचार के हम उन्हीं सवालों को उठाते हैं जो देश के लोगों का और खासकर छात्रों नौजवानों के मन में जुड़े हुए जाले साफ करें या सवाल खड़े करें कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ये क्यों जानना बहुत जरूरी है, और आप अगर नौजवान हैं तो ये आपका हक बनता है कि आप सवाल पूछें, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको उनका उत्तर दें। कुर्बान साहब ने इसकी घोषणा कर दी है, तो मैं इस प्रोग्राम को आज यहीं समाप्त करता हूं। कुर्बान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका, और हम अगले शनिवार फिर 2 बजे मुलाकात करते हैं। 1857 की शुरुआत वहीं से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेंच हिंदुस्तान की राजनीति में 1857 से जो घटनाएं शुरू हुई उनसे सुलझे भी हैं और बने भी हैं, लेकिन उनकी सच्चाई किसी को नहीं मालूम है। तो हम बातचीत करेंगे मैं यहां से जी, बस 10 सेकंड में आप ही की बात को मैं ये कहूं कि 1857 हमारे देश की वो कट ऑफ डेट है जहां से हमारा फ्रीडम मूवमेंट शुरू होता है, और 1857 से 1947 ये 90 साल का पीरियड ही राष्ट्रीय आंदोलन का पीरियड माना गया है, और इसी के दौरान ये तय हुआ है कि ये देश किस तरह से आजाद किया जाएगा और आजाद होने के बाद वो किस रास्ते पर चलेगा। तो ये बिल्कुल तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सब दर्शकों जो देख रहे हैं, अगर जो आज हुआ है इसके ऊपर कोई आपकी प्रतिक्रिया हो, कोई टिप्पणी हो, हमें जरूर भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रोग्राम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।